हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इन ऑनलाइन क्लासों में अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात कर रहे थे कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उस विषय क्षेत्र में हम किस किस को शामिल करते हैं, हम आज उसी फैक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास तक जो हमने जानकारी प्राप्त की थी वह जानकारी हमने प्राप्त की थी जीन ब्रूम्स महोदय के अनुसार मानव भूगोल का कौन सा क्षेत्र, मानव भूगोल के हमने विषय क्षेत्र की बात की थी कि जीन ब्रूम्स महोदय ने यानी जो विषय क्षेत्र मानव भूगोल के लिए उपलब्ध करवाया है उस विषय क्षेत्र की हमने बात की थी। तो यह हमारा जो पेपर है यह स्नातक द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसको हम मानव भूगोल के नाम से भी क्या करते हैं, जिसको हम मानव भूगोल के नाम से भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। यह हमारा सेकंड पेपर है, यानी यह हमारा दूसरा पेपर है। इस पेपर का जो नाम है वह है हमारे पास में इसका नाम आता है क्या, ह्यूमन जियोग्राफी। कौन सा नाम आता है, ह्यूमन जियोग्राफी। यानी यह सेकंड ईयर का जो पेपर है यह है कौन सा पेपर है, यह है सेकेंड ईयर का जो पेपर है हमारे पास में, यह है सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर के मैं सेकेंड पेपर की बात करूँ तो यह है ह्यूमन ज्योग्राफी है। मानव भूगोल का हमने सामान्य अर्थ पढ़ा था, अर्थ के साथ साथ इसकी परिभाषा पढ़ी थी। परिभाषा के साथ जो हमने इस भूगोल का पढ़ा वह है विषय क्षेत्र वाले बिंदु को हमने आगे बढ़ाया था। आज हम उसी विषय क्षेत्र वाले बिंदु की हम आपसे बात कर रहे हैं कि यही विषय क्षेत्र का बिंदु जिसमें हमने सामान्य वर्गीकरण पढ़ लिया था और सामान्य वर्गीकरण के साथ साथ हमने जीन ब्रूम्स महोदय का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम इस मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में जो अगले क्रम के जो हमारे भूगोल वेता आते हैं उस भूगोल वेता की हम बात करें, वह भूगोल वेता हैं आते हैं वी विडाल्डी लाबलास महोदय। विडाल्डी लाबलास महोदय के अनुसार जो हमारे पास में भूगोल का विषय क्षेत्र आता है उस वर्गीकरण को हम आज आगे गति देंगे। देखिए बेस हमारे पास में क्या है, बेस है हमारे पास में विडाल डी ला ब्लास महोदय। विडाल्डी ला ब्लास महोदय के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, यानी विडाल्डी लाबलास महोदय के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र आज हम इसकी बात कर रहे हैं। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो स्कोप है उस स्कोप में किस विद्वान की अपनी भूमिका है मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस विद्वान की जो भूमिका आती है वह हमारे पास में विद्वान है विडाल्डी लाबलास महोदय, जिन्होंने मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है उस विषय क्षेत्र में किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके अपन फैक्चुअल्स ताकि बात करते हैं। ब्लास महोदय ब्लास महोदय एक फ्रांसीसी एक फ्रांसीसी
भूगोलवेता थे, यानी ब्लास कौन थे? ब्लास एक फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, यानी किन्होंने, यानी ब्लास महोदय ने मानव भूगोल के कौन से क्षेत्र को, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्यतया, यानी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्यतया तीन भागों में विभाजित किया है। यानी इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया है? इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया है, तीन भागों में। किन्होंने? जो विडाल्डी लाब्लास महोदय, जो एक फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, इन्होंने मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, उस विषय क्षेत्र का जो विभाजन किया है, उस विभाजन का जो इनके पास में आधार आता है, वह तीन आधार आते हैं। यानी तीन आधार पर इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को विभाजित किया है, तीन आधार पर किया है। सबसे पहला जो आधार आता है, जो नंबर एक का इनका आधार आता है, उस नंबर एक के मैं आधार की आपसे बात करूं, वह हमारे पास में क्या आता है, इनका आधार का बिंदु, वह आधार का बिंदु आता है जनसंख्या। कि इन्होंने पहले भूगोल के विषय क्षेत्र में, यानी विडाल्डी लाब्लास महोदय ने किसको शामिल किया है, विडाल्डी लाब्लास महोदय ने पहले भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल किया है किसको, यानी जनसंख्या को। तो देखिए, ब्लास ने ब्लास ने जनसंख्या के अंतर्गत, कौन से कारक के अंतर्गत, ब्लास ने किसके अंतर्गत, जनसंख्या के अंतर्गत, वितरण के अंतर्गत जनसंख्या वितरण जनसंख्या घनत्व जनसंख्या समूह, यानी जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या समूह या जनसंख्या समूह, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, जनसंख्या समूह मानव प्रवास, यानी इसके अंतर्गत जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या समूह और जनसंख्या मानव प्रवास तथा मानव प्रजातियां, तथा मानव प्रजातियों को, किसको, तथा मानव प्रजातियों का विकास व वितरण, तथा मानव प्रजातियों का
विकास, तथा वितरण, मानव प्रजातियों का विकास तथा किसको, तथा मानव प्रजातियों का विकास तथा वितरण आदि कारकों को, वितरण आदि, वितरण आदि कारकों को, आदि कारकों को समावेशित किया है। देखिए ब्लास महोदय के अनुसार जो पहला जनसंख्या का कारक आता है, उस जनसंख्या के कारक के अंतर्गत जो ब्लास महोदय ने शामिल किया है, वह शामिल किया है, ब्लास ने जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण है, यानी जनसंख्या का बंटवारा, कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, क्या वहां पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्या वहां पर जनसंख्या का वितरण कम है, यानी जनसंख्या का वितरण कैसा है वहां पर, यानी अधिक है तो क्यों है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, यानी पॉपुलेशन इफेक्टिव फैक्टर की बात कर लेंगे अपन, वहां पर अधिक है तो ऐसे कौन से कारक हैं जो उस स्थान विशेष पर, उस भूखंड विशेष पर जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। इसका मतलब जनसंख्या का वितरण क्या सघन है, क्या विरल है, यानी जहां हम वितरण शब्द आ रहा है, क्या सघन है, क्या विरल है। अगला आता है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, अधिक जनसंख्या घनत्व यानी सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व, अधिक जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या घनत्व और विरल या जनशून्य घनत्व, जहां पर कोई नहीं रहता है, जनशून्य है, तो हम बात करें जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी उस स्थान विशेष पर जनसंख्या की बनावट, जनसंख्या का क्या घनापन है या नहीं है। जनसंख्या जहां पर अधिक होगी तो वहां जनसंख्या की डेंसिटी भी ज्यादा ही होगी, यदि जनसंख्या कम है तो जनसंख्या घनत्व भी वहां पर क्या होगा, वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी कम ही होगा। अर्थात मानव प्रवास, ह्यूमन माइग्रेन, माइग्रेन का मतलब मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप्रवास और उत्प्रवास की बात करें, मानव अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता और दूसरे स्थान पर यानी दूसरे नए वाले स्थान की ओर गमन करता है, आगमन और गमन वाली जो स्थितियां बनती हैं वो प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास की स्थितियां बनती हैं। अर्थात वो एक देश से दूसरे देश में हो सकती हैं, एक जिले से दूसरे जिले में हो सकती हैं, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में हो सकती हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हो सकती हैं, वो उसके प्रकार हो गए। मानव प्रजातियों का विकास, जो विभिन्न प्रकार की हम प्रजातियां पढ़ रहे थे, जैसे एस्किमो जनजाति है, जैसे बुशमैन है, जैसे पिगमे है, जैसे बुद्धू है, या आदि जो प्रकार की जनजातियाँ हैं, जो आदि प्रकार की जो हमारे पास में प्रजातियाँ हैं, जो वर्ड रेशेज हैं, उन रेशेज का विकास तथा वो विश्व में यानी एशिया महाद्वीप में वह प्रजातियां, एशिया महाद्वीप के साथ साथ यूरोप महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उसी के साथ साथ हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और उधर से आपके यूरोप महाद्वीप में, कि वह कहां का विश्व के कौन कौन से भाग में वह पाई जाती हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, उन कारकों को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन कारकों को हम यहां पर समावेशित कर रहे हैं। यानी दूसरा कारक आता है किनका, दूसरा कारक हमारे पास में आता है ब्लास महोदय का, यानी वह कारक है हमारे पास में कौन सा कारक, वह कारक है सांस्कृतिक कारक है, कौन सा कारक, हम बात कर रहे हैं कल्चरल फैक्टर की, कौन से फैक्टर की बात करें, ब्लास महोदय का कौन सा फैक्टर है हमारे पास में, यह है कल्चरल फैक्टर है। ब्लास ने सांस्कृतिक, यानी किसने, विडाल्डी ला ब्लास महोदय ने सांस्कृतिक तत्वों
के अंतर्गत स्वयं मानव एवं यानी ब्लास ने सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत स्वयं मानव एवं मानव द्वारा निर्मित स्वयं मानव एवं मानव द्वारा स्वयं मानव एवं मानव द्वारा क्या एवं एवं मानव द्वारा निर्मित विभिन्न कृत्रिम तथ्यों को निर्मित विभिन्न कृत्रिम तथ्यों को क्या किया है तथ्यों को समावेशित किया है तथ्यों को समावेशित किया है यानी ब्लास महोदय का जनसंख्या मानव भूगोल के अंतर्गत जो विषय क्षेत्र है उसके अंतर्गत हमारे पास में दूसरा कारक आता है। ब्लास महोदय ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो सेकंड क्रम को शामिल किया है वह शामिल है कौन सा कारक सांस्कृतिक कारक। तो ब्लास ने सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत स्वयं मानव को और मानव द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के कृत्रिम तथ्यों को समावेशित किया है। यानी ब्लास महोदय ये कहते हैं कि कृत्रिम तथ्यों का जो निर्माण करने वाला है जो निर्माणक है यानी जो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करता है जो निर्माण करने का जो बिल्ड करने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है मानव ही तो कर रहा है। इसका मतलब स्वयं मानव मानव और मानव के द्वारा निर्मित विभिन्न कृत्रिम तथ्यों को यानी मानव के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के कौन से तथ्य कृत्रिम तथ्यों को शामिल किया है सांस्कृतिक कारकों में एक तो मानव हमने मानव को शामिल किया है और मानव के साथ साथ शामिल किया है किसको यानी मानव के साथ साथ मानव के द्वारा निर्मित जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तथ्य हैं जिनका जिक्र हम इसी टॉपिक में हम जस्ट आगे करने जा रहे हैं कि वह कौन से सांस्कृतिक तथ्य हैं जिसके अंतर्गत मानव ने अपना योगदान प्रदान किया है मानव ने अपना योगदान दिया है जिससे कि भूगोल का यानी मानव भूगोल का क्या तैयार हुआ है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र तैयार हुआ है वह ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके माध्यम से मानव भूगोल का क्या तैयार हुआ है विषय क्षेत्र तैयार हुआ है। देखिए पहला हमारे पास में फैक्टर आ रहा है पहले हम फैक्टर की बात करें तो हमारे पास में पहला फैक्टर आ रहा है वातावरण यानी क्या क्या शामिल वातावरण एक तो यानी एनवायरमेंट वातावरण पेड़ पौधे विभिन्न पालतू तथा जंगली जानवर मानव के द्वारा जो पेट एनिमल है विभिन्न पालतू तथा जंगली जानवर मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक वातावरण मानव द्वारा
निर्मित मानव द्वारा निर्मित कौन सा वातावरण? मानव द्वारा निर्मित यानी प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों से अनुकूलन, वातावरण के विभिन्न तत्वों से, विभिन्न तत्वों से विभिन्न तत्वों से अनुकूलन, विभिन्न तत्वों से पहला ब्लास्ट में सांस्कृतिक कारक में अभी हम इसको व्याख्या के साथ आपके सामने लेकर कहेंगे। विभिन्न अगला सेकंड है, विभिन्न मानव विभिन्न मानव निर्मित औजार व विभिन्न मानव निर्मित औजार व कच्ची सामग्री कौन सा तत्व के रूप में शामिल हुआ? विभिन्न मानव निर्मित औजार एवं क्या कच्चा माल या कच्ची सामग्री जीविका निर्वहन के साधन है। अगला आता है जीविका निर्वहन के क्या साधन, जीविका निर्वहन के साधन है। नेक्स्ट जो हमारे पास में इनका बिंदु आता है जीविका निर्वहन के बाद में, यदि हम नेक्स्ट क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट क्रम हमारे पास में आता है विभिन्न मानव बस्तियों की विभिन्न मानव बस्तियों की निर्माण सामग्री यानी विभिन्न मानव यानी विभिन्न मानव बस्तियों की क्या, विभिन्न मानव बस्तियों की निर्माण सामग्री यानी ये तो रॉ मटेरियल है, लेकिन मैं अगले की बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या आ जाएंगी? मानव बस्तियाँ। यहाँ पर किसको शामिल कर देंगे हम? मानव बस्तियों को शामिल कर लेंगे। किसको शामिल कर लेंगे? यहाँ पर मानव के द्वारा स्थापित मानव की बस्तियाँ। सभ्यता क्या यानी सिविलाइजेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सभ्यताओं यानी सभ्यताओं का सभ्यताओं का विकास के साथ सभ्यताओं का विकास के साथ सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल करना। देखिए ये कारक बताए हैं किन्होंने? यह कारक बताए हैं ब्लास महोदय ने सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित विभिन्न कृत्रिम तथ्य, इसकी व्याख्या हो रही है यहाँ पर। ये तथ्य हैं मानव द्वारा निर्मित। देखिए वातावरण प्राकृतिक वातावरण और कृत्रिम वातावरण। मानव जिस स्थान विशेष पर रहता है
तो मानव ने विभिन्न प्रकार के टेक्निकों की सहायता से, नवाचार इनोवेशन की या तकनीकों की सहायता से वहां पर प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित करके कृत्रिम वातावरण तैयार किया जो मानव के अनुकूल है। जैसा मानव को वातावरण चाहिए वैसा मानव ने वहां पर क्या तैयार कर दिया, वहां पर वातावरण तैयार कर दिया। पेड़ पौधे, विभिन्न पालतू है जंगली जानवर, यानी वहां पर पेड़ पौधे यानी वनस्पति। तो वनस्पति भी दो ही प्रकार की है, एक प्राकृतिक वनस्पति है, एक स्थान विशेष पर या एक भूखंड पर एक ही प्रकार के वनों की तादाद का वहां पर पाया जाना, यानी एक ही प्रकार के वनों की तादाद अधिक पाया जाना, यानी पेट एनिमल जो मानव के लिए उपयोगी हैं, यानी जो मानव के लिए उपयोगी हैं और जो मानव को किसी प्रकार का क्या नहीं पहुंचाते हैं, मानव को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एक जंगली जानवर जिनकी प्रकृति कैसी होती है, हिंसक होती है, जो मानव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों से अनुकूलन, यानी इन सभी प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव ने क्या किया, अनुकूलन किया। तो ब्लास महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि हम सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत इस तथ्य को शामिल करते हैं तो ये भी भूगोल के विषय क्षेत्र में क्या होता है, शामिल होता है। उन्होंने सेकंड जो बिंदु बताया है, सेकंड बिंदु बताया विभिन्न मानव निर्मित औजार व कच्ची सामग्री। उन्होंने जो मानव निर्मित औजार बनाए और कच्ची सामग्री यानी रॉ मटेरियल की बात की है, तो मानव ने यानी वह औजार जो उसको कृषि कार्य करने के लिए यानी कृत्रिम भूदृश्य सांस्कृतिक वातावरण तैयार करने के लिए या और कोई कार्य को संपादित करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता थी, जिन औजारों की आवश्यकता थी, अर्थात यह कहावत चरित्रार्थ होती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मानव को जब जिन जिन औजारों की आवश्यकता पड़ी, मानव ने उन औजारों का विकास या निर्माण करता गया मानव, और मानव प्रकृति से उन औजारों को निर्मित करने के लिए खनिजों के रूप में, वनस्पति के रूप में या पाषाण पत्थर के रूप में विभिन्न प्रकार की रॉ मटेरियल प्राप्त करता गया। मैं आदिम मानव की बात करूं तो उसने पाषाण के पत्थर के औजार, प्रस्तर के औजार बनाए थे, क्योंकि उस समय मानव के पास में इतने टेक्नोलॉजी या तकनीक का पर्याप्त जानकारी नहीं थी। जब पर्याप्त जानकारी नहीं थी मानव के पास में, तो मानव के पास में जो उपलब्ध था मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार वैसे ही प्रकार के औजारों का निर्माण कर लिया। तो औजार और रॉ मटेरियल को भी ब्लास महोदय के अनुसार सांस्कृतिक तत्वों में, यानी सांस्कृतिक तत्वों में शामिल करते हुए भूगोल की विशेष सामग्री विशेष क्षेत्र में शामिल करते हैं। अगला आता है जीविका निर्वहन के साधन, यानी हम बात करें जीविका निर्वहन के साधनों के अंतर्गत, तो हमने पिछली जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में भी हमने आपसे बात की थी, बात ये की थी कि मानव अपने शैक्षिक क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। जब मानव अपनी शैक्षिक क्षमता के अनुसार विभिन्न कार्यों को संपादित करता है, तो वह प्राइमरी ऑक्यूपेशन कर सकता है, वह सेकेंडरी कर सकता है, वह टेरिटरी कर सकता है, और वह क्वार्टरनरी व्यवसाय कर सकता है। मानव की जैसी शैक्षणिक योग्यता है, मानव उसी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यों का क्या करता है, मानव विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव ने अपने शैक्षणिक क्षमता के आधार पर जिस प्रकार के निर्वहन के कार्यों को, आदिम मानव के पास में शिक्षा नहीं थी तो वह मानव कृषि के कार्य संपादित करता था, कृषि से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्य, वह हंटिंग, वह शिकार करने का कार्य करता था, उसी के साथ साथ वह खनन करने का कार्य करता था, उसी के साथ साथ वह लकड़ी काटने का कार्य करता था, तो उसी के साथ साथ वह पशु चराने का यानी पशुपालन का कार्य करता था। अर्थात जिससे मानव की जीविका चल सके, जिससे मानव के परिवार का भरण पोषण हो सके, इस प्रकार के जो कार्य संपादित किए जाते हैं उन्हीं कार्यों को भी यानी विडाल्डी लाब्लास महोदय के अनुसार सांस्कृतिक भूदृश्यों में शामिल करते हुए भूगोल के विषय क्षेत्र में उसको शामिल किया जाता है। अगला आता है मानव विभिन्न मानव वस्तुओं की निर्माण सामग्री तथा मानव की बस्तियां, यानी हम बात करें कि विभिन्न जो बस्ती निर्माण सामग्री है, मैं बात करूं कि बस्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं, मकान बस्तियों में दो प्रकार की हो सकती है, एक कच्ची बस्तियां हो सकती हैं, एक पक्की बस्तियां हो सकती है।
कच्ची बस्तियों में हम खपरेल है, मिट्टी है, इसके अलावा सरकंडा है, गोबर है आदि को जो मिट्टी है।